Hey everyone, welcome to Spill Bean. Let's talk about Nancy Tyagi attending Cannes Film Festival 2024. देखा जाए ना तो नैन्सी का कोई ऐसा बड़ा स्टाइलिंग टीम नहीं था, खुद से उसने ये आउटफिट बनाया एंड शी स्लेड ड्यूरिंग द कान। अभी और एक चीज यहाँ पे कई लोगों को पसंद आया, दैट नैन्सी वॉज एक्सट्रीमली रियल। जिस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल थी उसमें उसने बात किया एंड उसने इंटरव्यू जो है वो हिंदी में दी। आई हैव सेड दिस बिफोर ऑल्सो कि कई अलग अलग कंट्रीज के सेलिब्रिटीज ना इंग्लिश को इतना प्रायोरिटी नहीं देते जितना इंडिया में दिया जाता है। वो अपने लैंग्वेज में बात करते हैं, दे आर असाइंड अ ट्रांसलेटर। टर्किश एक्टर्स ये करते हैं, फ्रेंच एक्टर्स करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट अशेम्ड ऑफ देयर रूट्स और दे डोंट हैव दिस मेंटालिटी कि इंग्लिश आना ही चाहिए फिर ही आप सुपीरियर हो। So happy that ये चेंज हमारे यहाँ पे भी आ रहा है। I just loved her interview. She kept it short and real. And अभी यहाँ पे ये मतलब मत निकाल लेना कि अगर किसको इंग्लिश आता है तो उनको यहाँ पे शेम किया जा रहा है। Of course नहीं। My point here is कि जिस लैंग्वेज में हम कंफर्टेबल है उसमें हम बात करेंगे। ये एटीट्यूड ना इंडियंस में आना चाहिए। जस्ट बिकॉज एक लैंग्वेज नहीं आता दैट डजंट मीन कि ये शर्म की कुछ बात है। एंड ये इसलिए पॉइंट उठाया जा रहा है बिकॉज फॉर इयर्स दिस हैज हैपेंड। कभी क्रिकेटर्स के ना पास्ट इंटरव्यूज देखना, जब वो मैच जीत जाते हैं उसके बाद अगर उनको इंटरव्यू देना होता है इंग्लिश में तब वो डर जाते हैं अगर उन्हें लैंग्वेज नहीं आता। एंड एट टाइम्स जबरदस्ती उन्हें इंग्लिश में आंसर देना ही पड़ता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बोल्ड अगेंस्ट विन। सो साल में जो उनको ये फील कराया गया है ना वो काफी गलत है। इंस्टेड उन्हें ट्रांसलेटर डिमांड करना चाहिए एंड इसमें शर्म आने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप दूसरे कंट्रीज के लोगों को ट्रांसलेटर्स प्रोवाइड कर सकते हो तो सिर्फ इंडियन से ही एडजस्टमेंट क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है। एनीवेज कमिंग बैक टू नैन्सी, एवरीवन वाज सपोर्टिंग हर, कमेंट्स वर फिल्ड विद लव। सिर्फ कुछ गिने चुने लोग थे जिन्हें आवाज में बिना दिक्कत लग रही थी। आवाज को लेकर अजीब कॉमेंट्स किए जा रहे थे बट दिस टाइम समथिंग डिफरेंट हैपेंड। लोगों ने ट्रोलर्स का साथ नहीं दिया, इंस्टेड उनके अगेंस्ट कॉमेंट्स किए गए। जैसे ये वाला पढ़ो, ऑल दी पीपल हु आर क्रिटिसाइजिंग हर फॉर अ वॉइस। आप और आपकी फैमिली तो रोज जाते होंगे कांस में ना, माइंडसेट कैन बी सो लो फॉर सम पीपल। एंड इस कॉमेंट पे ना लाइक्स देखो, सो मेनी पीपल सपोर्टिंग दिस। आई फील इंटरनेट पे लोग फैब्रिकेटेड पर्सनालिटीज देख देख के उस चीज को इतना नॉर्मल समझने लग गए हैं ना, दैट जब कोई रॉ एंड रियल पर्सनालिटी दिखाता है इंटरनेट पे देन दे फाइंड इट ऑड। नैन्सी ने ये ब्यूटीफुल आउटफिट पहना था जो उसने खुद बनाया था। शी मेंशन्ड दिस कि 1000 meters का ना फैब्रिक उसने लिया एंड एक महीना लगा उसको ये ड्रेस बनाने में एंड दिस ड्रेस वेज ओवर 20 kg। अभी देखा जाए ना तो काफी लास्ट मोमेंट था ये सब। जनरली कान फिल्म फेस्टिवल के दौरान ना डायरेक्ट इनवाइट्स नहीं भेजे जाते। कुछ बड़े सेलिब्रिटीज को ऑफ कोर्स डायरेक्ट इनवाइट्स जाते हैं, वरना ब्रांड्स जो ये इवेंट से एसोसिएटेड है उनको राइट्स दिए जाते हैं टू इनवाइट अदर सेलिब्रिटीज, जैसे लोरियल पेरिस हमेशा करता है। वैसे ब्रूट भी है, तो इस बार ना ब्रूट ने इनवाइट किया था नैन्सी को। एंड इट इज क्लियर कि दूसरे जो भी सेलिब्रिटीज थे उनको काफी महीने का वक्त मिला था अपना आउटफिट, मेकअप, ज्वेलरी सब डिसाइड करने का, बिकॉज कुछ लोगों को ना हर साल बुलाया जाता है। बट उतना वक्त ऑफ कोर्स नैन्सी को नहीं मिला। कुछ लोगों को नैन्सी का ये जो ड्रेस है वो अरियाना ग्रांडे की ये ड्रेस जैसा लगा। ग्रैमी 2020 के इवेंट के दौरान ना ये आउटफिट देखने मिला था। इट वॉज डिजाइन बाय जांबटिस्टा वाली। तो देखा जाए ना तो ये जो हैवी रफल गाउन का डिजाइन है दैट इज नॉट समथिंग जो पहले बार अरियाना पे देखने मिला है या ये डिजाइनर ने इसे इंट्रोड्यूस किया है। ये पैटर्न कई सालों से वेडिंग ड्रेसेस फिर बॉल गाउन्स में ना देखने मिलता आ रहा है। कितने प्रॉम ड्रेसेस भी 2020 के पहले ऐसे देखने मिले हैं। प्लस ये सारी केसेस में बड़े बड़े डिजाइन हाउसेस जिनके पास कई सारे रिसोर्सेस है, फैब्रिक से लेके कपड़ा स्टिच करने के लिए टीम है उनके पास, उन्होंने बनाया है। बट इन नैन्सी केस खुद से उसने फैब्रिक ढूंढा, फैब्रिक को स्टिच किया एंड कम्प्लीटेड द होल लुक। तो सिमिलैरिटीज हो सकता है ऐसे रफल लेयरिंग की वजह से, बट वी नीड टू अप्रिशिएट हर एफर्ट्स हियर बिकॉज ऑब्वियसली ऐसे आउटफिट्स बनाना इजी नहीं है। इमेजिन एक महीने में शी डिड दिस। अगले साल के कान के लिए अगर पहले से ही शी गेट्स द इनविटेशन एंड प्रॉपरली वर्क मिलता है तो सोचो व्हाट शी विल क्रिएट। एंड हाँ, ये इवेंट के दौरान नैन्सी जितना रियल एंड रॉ थी उतने ही अपोजिट वे में रैपर किंग का इंटरेक्शन देखने मिला। Right now I'm watching Kind of Kindness and I'm looking forward for Mad Max Furiosa. Yep. And O Canada. This conversation was odd. See, I have always said this, कि accent होने में ना problem नहीं है। अगर आप comfortable हो accent switch करने में तो वो करना गलत नहीं है। प्रियंका चोपड़ा भी ये करती है। फॉरेन मीडिया से वो इंटरेक्शन कर रही है या इंडियन मीडिया से, इसके हिसाब से वो अपना इंग्लिश एक्सेंट ना स्विच करती है सो दैट कम्युनिकेशन ईजी हो पाए। पर किंग के केस में ना दिस वॉज एक्सट्रीमली वियर्ड एंड सीम प्रिटेंशियस। कॉमेंट्स भी देखने मिले जिसमें लिखा गया था 2% टॉक 98% या वाई द एक्सेंट किंग, भाई इतना फेक एक्सेंट क्यों। एंड कई कॉमेंट्स थे एक्सेंट से रिलेटेड। ऑल्सो भी नैन्सी के जर्नी के बारे में बात करें तो बरनावा गांव से है जो उत्तर प्रदेश में है। 2019 को इट इज सेड कि वो दिल्ली में शिफ्ट हो गई थी एंड 2022 को उसने अपना फैशन जर्नी स्टार्ट किया था। ये एक ईजी जर्नी नहीं था। तब 2023 के स्टार्ट में एक्सट्रीम ट्रोलिंग उसने फेस किया था। शी मेड फ्यू रील्स ऑन व्हाट आई वोर एट माई एक्सेस वेडिंग। ये रील ना वायरल चला गया एंड शी गॉट ट्रोल्ड फॉर इट। बट ये चीज के बाद में भी उसे रियलाइज हुआ कि किस डायरेक्शन में उसे जाना है, क्योंकि जिस वे से वो ये फेस से निकली है ना वो अमेजिंग था।
कुछ गलतियां कुछ ब्लंडर्स हुए बट उससे उसने सीखा। ये जो हेट उसे मिल रहा था उस वक्त पे, शी स्टार्टेड मेकिंग रील्स जहाँ पे वो सेलिब्रिटीज के आउटफिट्स को ना रिक्रिएट करती थी बट बजट में रह के। एंड ये जो वो कर रही थी ना उस पर लोगों ने काफी अच्छा उसको रिस्पॉन्स दिया, उसके टैलेंट को प्रेज किया गया। एंड 2023 के ही साल में ना फिर से वो वायरल गई, बट इस बार शी वेंट वायरल फॉर ऑल द राइट रीजंस। वो अमेजिंग आउटफिट्स क्रिएट कर रही थी एंड खुद से शी वॉज डूइंग दिस। देखते ही देखते इंटरनेट पे शी गॉट एक्सट्रीमली फेमस एंड अभी कान फिल्म फेस्टिवल में जाने का नैंसी को मौका मिला। तो हर जर्नी हैज बीन एपिक एंड इसी वजह से ये पॉइंट पे इतना ज्यादा प्यार उसको मिल रहा है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि नैंसी त्यागी के जर्नी के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।